इंसान को अपने सिवा सब में कमी लगती है, क्योंकि इंसान खुद से तो कभी मिलता ही नहीं। कभी कभी यह सुनने की कोशिश किया करो कि आप अपने आप से क्या बातें करते हो। यही बातें आपके असली व्यक्तित्व को बयां करेंगी। ज्ञान वो नहीं जो आप सीखते हैं, ज्ञान तो वो है जो आप अमल में लाते हैं। ज्ञान वो है जो आपको आपके ज़िंदगी में आए मुसीबतों से बाहर निकालता है। अगर ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो देना सीखिए। फसल को काटने से पहले उसे बोना तो पड़ेगा। ईंधन को डाले बिना भट्टी के गर्म होने की उम्मीद बला हम कैसे कर सकते हैं? यही तो गलती करते हैं हम, देने से पहले पाने की उम्मीद लगा बैठते हैं। दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं, पहले जो काम को अंजाम देते हैं, दूसरे जो काम को अंजाम तक पहुंचते हुए देखते हैं, तीसरे आश्रय करते हैं कि काम अंजाम तक कैसे पहुंचा। सोचिए आपको कैसा बनना है। जब सुबह उठकर प्रकृति को आभार व्यक्त करते हो तो यह जरूर कहा करो, जब मैं गलती करूं तो मुझ में इतनी शक्ति हो कि मैं खुद को बदल सकूं, और जब मैं सही काम करूं तो मुझ में इतनी शक्ति हो कि मुझ में अहंकार ना आए। खुशियों को बाहर ढूंढने की कोशिश मत करो, खुशी तो अंदरूनी होती है, इसे भीतर ढूंढो। खुशी तो एक तितली की तरह है, जिसके पीछे हम जितना दौड़ते हैं वो उतना ही आगे उड़ जाती है, हमारे हाथ नहीं आती। अगर हम चुपचाप खड़े हो जाएं, तो ये हमारे कंधे पर खुद ब खुद बैठ जाएगी। मन में किसी भी प्रकार का भय मत रखो, जो भी काम करो बिना डर के करो। भय की अनुभूति कोई भी काम नहीं करने देगी। दुखों का सबसे बड़ा कारण भय ही है। सोचो किसी चिड़िया के लिए कितना आसान होगा कि वो एक ऐसे घोड़े को तंग कर सके जिसकी पीठ पर घाव हो। यहाँ परिस्थितियाँ चिड़िया है और घाव है हमारा डर, और परिस्थितियाँ उन्हीं को तकलीफ देती हैं जो उनसे भयभीत होते हैं, उन्हें नहीं जो निर्भय हैं। गीता की ये पंक्तियाँ अपने मन में गहरी बिठा लो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। हंसते हुए बुद्ध को देखिए, जो सदा हंसता रहता है, क्योंकि वो जानता है जो हो रहा है सब सही हो रहा है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।